आइए आइए राजभवन जाएंगे, वोट देख सकते हैं लगातार जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। किसानों और सरकार के बीच जारी बैठक के बीच कांग्रेस ने 15 जनवरी के दिन को किसान अधिकार दिवस के तौर पर चुना और सरकार के खिलाफ देश भर में हल्ला बोला। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस विरोध प्रदर्शन की कमान संभाली और दिल्ली राजभवन का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी राजभवन पहुंचा। पुलिस ने राजभवन से पहले बैरिकेड्स लगाए ताकि कांग्रेसियों को रोका जा सके, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हुजूम ने हटा दिया, जिसके बाद कांग्रेस के इस काफिले ने दिल्ली के जंतर मंतर का रुख किया, जहां कांग्रेस सांसद कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। ये जो आज बॉर्डर पे हो रहा है और ये जो तीन नए कानून आए हैं, ये शुरुआत नहीं, शुरुआत बहुत पहले हुई और इस बात को मैं सालों से उठा रहा हूं। सवाल आपको याद होगा भट्टा परसौल, पहली बार ये भट्टा परसौल में उठा था कि इस देश में किसान का क्या हक है, किसान की क्या राइट है, क्या जमीन किसान की जमीन उसकी है या किसी और की? जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और? तो पहली बार ये सवाल भट्टा परसौल में उठा, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंटर पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, स्टेट्स पे उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द कर दिया। दूसरा कदम, अब यह नया कदम आया है, ये जो तीन कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राजभवन घेरने की कोशिश की। राजभवन घेरने के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया। दरअसल कांग्रेस ने 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस के तौर पर मनाया, जिसके तहत देश भर में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने रणनीति के तहत देश के सभी जिला हेडक्वार्टर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस इससे पहले भी ऐसा ही प्रदर्शन कर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से इसका ऐलान किया गया था। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे वक्त से मोदी सरकार को इस मसले पर घेर रहे हैं। राहुल ने तीनों कानूनों को किसान के लिए अहितकारी बताया है, साथ ही इसे अमीर कारोबारियों के हक वाला करार दिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।